linear circuit is star star circuit or delta circuit, right? तो सबसे पहले समझते हैं कि पावर मेजर करने के लिए एक लीनियर सर्किट में अगर आपको पावर मेजरमेंट करना है तो पहला सवाल ये आता है कि आपको कितने वाट मीटर की जरूरत है, तीन वाट मीटर लगेंगे या दो या एक या चार, कितने, पहला सवाल, राइट। तो देखिए गार्डनर वाज अ पर्सन हु हैज गिवन यू द कांसेप्ट that for power measurement in three-phase circuit, you require only two wattmeters. If at all the load is balanced, for power measurement in n-phase circuit, n is any phase, fix a number, you require n minus one wattmeter if the load is balanced. If the load is यानी अगर थ्री फेज सर्किट में पावर मेजर करनी है आपको तो आपको दो वाट मीटर से काम मिल जाएगा, थ्री माइनस वन इक्वल टू टू, दो वाट मीटर से काम चल जाएगा आपको, पावर मेजर हो जाएगी केवल दो वाट मीटर लगाने से ही, तीन वाट मीटर लगाने की जरूरत नहीं। देखिए कैसे होगी मेजर, ये हमने किस बात पर लिया है, ठीक है, हमने y is positive, that means load कैसा है, inductive load लिया है, ठीक है। तो अभी देखिए हमने कोई भी दो phase में दो wattmeter लगाने हैं, बस मैंने कहा कि एक wattmeter में लगा देता हूँ R phase में और एक में लगा देता हूँ B वाले में। wattmeter का मतलब है जो आपको active power measure करता है, right? इस wattmeter में दो coils होती हैं, एक होती है current coil, एक होती है वोल्टेज कॉइल जिसे हम प्रेशर कॉइल भी कहते हैं, इस करंट कॉइल दिस इज पोटेंशियल कॉइल। सो एक वाटमीटर यहां लगाया, एक वाटमीटर यहां लगाया, जो करंट कॉइल होगी वो हमेशा लोड के सीरीज में रहेगी। देखिए ये आर बेस का लोड इंपेडेंस है, इसके साथ सीरीज में कौन सी कॉइल है, करंट कॉइल सीसी, और जो पोटेंशियल कॉइल होगी वो सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड। जैसे कि डब्ल्यू टू ये वाला दूसरा जो वाट मीटर है, इसका जो पोटेंशियल कॉइल है, जो वोल्टेज कॉइल है, किस फेज के बीच में कनेक्ट है, आर फेज, और ये मेरा आर फेज है, ये मेरा वाई फेज और ये बी वाला है। तो देखिए ये जो वोल्टेज कॉइल है डब्ल्यू टू का सेकेंड वाट मीटर जो आपका वोल्टेज कॉइल है, ये आर फेज और इस वाई फेज के बीच में कनेक्ट है, राइट। करंट कॉइल में कौन सी करंट होगी, जो लोड का करंट है, यानी अभी आर फेज में लगा हुआ है तो इस वाली करंट कॉइल में कितनी करंट जा रही है, आईआर जा रहा है। इसी तरह से जो ये देखिए वाटमीटर डब्ल्यू वन है, ये तीनों फेज के बीच में कनेक्ट है, एक फेज बी और फेज दूसरा फेज वाई है। तो यहाँ पर ये जो करंट कॉइल है बी फेज में लगा हुआ है, लोड के साथ सीरीज में ये लगा हुआ है, और जो वोल्टेज कॉइल है वो किसके साथ लगा हुआ है, सप्लाई के क्रॉस, यानी कि फेज बी और फेज वाई के बीच में लगा हुआ है वोल्टेज कॉइल। This is current coil, this is potential coil. This is current coil, this is potential coil. तो हर वाट मीटर में चार टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल M, लोड टर्मिनल L, C इज द पावर टर्मिनल एंड D इज द वोल्टेज टर्मिनल।
इसी हम लेफ्ट में सीखेंगे। अभी लिख लीजिए M, ये वाला L, ये वाला C और ये वाला B। अब आपके में चार टाइटल होते हैं M, L, C, राइट। तो आप देखिए अगर मुझे इस वाटमीटर की रीडिंग लिखना है कि कितनी पावर मेजर करेगा तो कैसे लिखेंगे? इस पोटेंशियल कॉइल पर जो वोल्टेज हो और इस करंट कॉइल में जो करंट जा रही हो इनटू cos phi एंड phi इज एंगल बिटवीन व्हाट बिटवीन vr by and ir और w2। लेकिन w2 की रीडिंग कैसे लिखेंगे? vr by क्या है? ये वो वाला पोटेंशियल है जो इस प्रेशर कॉइल में आ रहा है। अरे प्रेशर को आपने किसको फेस के पीछे लगाया? आर और वाई फेस के पीछे लगाया ना, तो यानी कि पास का वोल्टेज लेंगे डब्ल्यू के लिए वी आर वाई, ठीक है। और करंट कौन सी लेंगे? जो करंट कौन में जा रही है यानी वी आर वाई इंटू आई आर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी आर वाई एंड आई आर।